वेलकम बैक एट्थ क्लास स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी एस्टेब्लिशेस पावर। अपनी पावर को कंपनी ने कैसे इस्टेब्लिश किया। बच्चों, इसमें आपने देखा कैसे ब्रिटिशर्स ने जो है अपनी कंपनी ट्रेड के लिए शुरू की थी और कैसे वहाँ के नवाबों से डिमांड की, हुगली रिवर के निकट आके कंपनी ने अपनी कबली एंड फैक्ट्री खोली और वहीं पे किला बना लिया और नवाबों से डिमांड की कि उनकी कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा कंसेशन दिया जाए टैक्स फ्री होने का। लेकिन वहाँ के जब राजा मना कर चुके कि भाई ज़्यादा उनको जो है फ्रीनेस नहीं दी जाएगी, तो वो लोग कैसे फोर्स करते थे नवाबों को कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स फ्री करने के लिए ट्रेडिंग कंपनी को, एक ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेडिंग कंपनी थी उसको टैक्स फ्री करने के लिए। तो कल बच्चों हम पढ़ रहे थे द कंपनी ऑन इट्स पार्ट्स, है ना, ये जो द कंपनी ऑन इट्स पार्ट डिक्लेयर्ड दैट द इनजस्ट डिमांड्स ऑफ द लोकल ऑफिशियल वर रूइनिंग द ट्रेड ऑफ कंपनी। पहले तो कंपनी को उन्होंने बहुत मजबूर की, कंपनी ने नवाबों को बहुत मजबूर किया। जब नवाबों ने मना कर दिया कि नहीं थोड़ा बहुत टैक्स देना पड़ेगा, तो कंपनी ने क्या डिक्लेयर कर दिया कि जो नवाब हैं वो उनसे जो है ऐसी डिमांड मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लोकल ऑफिशियल वर रूइनिंग द ट्रेड ऑफ कंपनी। जो वहाँ के नवाब हमें परेशान कर रहे हैं, कंपनी ने क्या डिक्लेयर किया कि नवाब हमें जो है फ्रीली ट्रेड नहीं करने दे रहे हैं और हमारा उनकी प्रतिबंध लगाने से हमारा व्यापार तबाह हो रहा है, उनकी बेतुकी प्रतिबंध लगाने से हमारे व्यापार को रूइनिंग हो रही है, तबाह हो रहा है, नुकसान पहुंच रहा है। एंड ट्रेड कुड फ्लोरिश ओनली इफ़ द ड्यूटीज़ वर रिमूव्ड। और वो चाहता था कि जो ट्रेड है वो बिना किसी कर के ही, कोई उसे टैक्स ना देना पड़े, तभी फल फूल सकता है कोई भी व्यापार। इसलिए कंपनी को बिना टैक्स के व्यापार करने की पूरी छूट दी जाए। इट वॉज ऑल्सो कन्विंस दैट टू एक्सपेंड ट्रेड इट हैड टू एनलार्ज इट्स सेटलमेंट बट बाय अप विलेजेस एंड रीबिल्ड इट्स फुट। और फिर उन्होंने ये भी सोचा कि कंपनी को अगर ऐसा कोई चांस नहीं दिया जाएगा, नवाब वगैरह उनके ऊपर टैक्सेस लगाते रहेंगे, तो उनको अपनी पावर बढ़ानी पड़ेगी और बहुत सारे गांव खरीदने पड़ेंगे जिससे उनकी पावर बढ़ जाए और व्यापार और अच्छे से चले और नए नए किले बनाने पड़ेंगे। द कन्फ्लिक्ट्स लेड टू कन्फ्रोंटेशंस एंड द फाइनली क्ल्यूमिनेटेड इन द फेमस बैटल ऑफ प्लासी। और जब कोई भी झुकने को तैयार नहीं हुआ, कंपनी भी नहीं और नवाब भी नहीं, तो बाद में ये जंग जो है बैटल ऑफ प्लासी के नाम से एक युद्ध के रूप में बदल गई, जिसका नाम बैटल ऑफ प्लासी जो है प्रसिद्ध हुआ। बैटल ऑफ प्लासी की बच्चों आपको एक फैक्ट बताते हैं। देखिए, बैटल ऑफ प्लासी किसको बोलते थे, मतलब प्लाश के फूल जो है उस स्थान पर बंगाल के बहुत ज़्यादा मिलते थे और प्लाश के फूल की वजह से जो है वो स्थान प्लाश के फूलों का स्थान कहा जाता था। तो अंग्रेज़ों ने अपने शब्दों में उसको बिगाड़ के उसका नाम प्लासी पड़ गया, वो लोग अपने शब्दों में ही उसे प्लासी कहते थे। तो वो वहाँ का युद्ध प्लासी के युद्ध के नाम से फेमस हो गया, द वार ऑफ प्लासी। देखिए द प्लासी प्रोनाउंसिएशन, द प्लासी जो प्लास का फूल था, प्लासी से प्लासी बना दिया जो है ब्रिटिशर्स ने, ठीक है ना, समझ गए प्लासी की स्टोरी बच्चों की। प्लासी क्यों नाम पड़ा उसका, प्लाश के फूलों से वहाँ को प्लासी बोलते थे उस स्थान को, और जो ब्रिटिशर्स थे उनने अपने शब्दों में उसे प्लासी नाम से मशहूर कर दिया। तो अब देखिए बैटल ऑफ प्लासी की स्टोरी। व्हेन अली वर्दी खान डाइड इन 1756 राजा दौला बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल। जब अली वर्दी खान जो है वहाँ का नवाब था वो मर गया 1756 में, तो सिराजुद्दौला को वहाँ का नवाब बना दिया गया, कहाँ का, बंगाल का। द कंपनी वॉज वरीड अबाउट हिज पावर एंड कीन ऑन अ पपट रूलर वो वुड विलिंगली गिव ट्रेड कंसेशंस एंड अदर प्रिविलेजेस।
कंपनी जो थी वो बहुत शक्तिशाली राजा था सिराजउद्दौला, वो कंपनी के रूल रेगुलेशन के सामने झुकने वाला नहीं था, तो वो उससे जो है घबराई हुई थी, चिंतित थी, और वो चाहती थी कोई ऐसा राजा प्राप्त हो पपट के रूप में। पपट किसको बोलेंगे स्टूडेंट्स, जो है कठपुतली। पपट किसको बोलते हैं, आपने सुना होगा, जो कठपुतली को पपट बोलते हैं, है ना, पपट के रूप में ऐसा राजा। पपट की डेफिनेशन है कपल है कठपुतली की तरह से जो उनके आगे पीछे काम कर सके। देखिए लिटरली अ टॉय दैट यू कैन मूव विद स्ट्रिंग दैट टर्म्स इज यूज द डिसप्रूविंगली टू रेफर टू पर्सन हु इज कंट्रोल्ड बाय समवन एल्स। एक धागे की सहायता से अगर कठपुतली को चलाया जाता है और इशारों पे काम करती है उसकी जो कठपुतली होती है, तो ऐसा ही राजा जो है अंग्रेज चाहते थे, और वो चाहते थे कि ऐसा राजा मिले जिससे कि वो अपने मन चाहे वर्क करा सकें और उनके व्यापार पे पूरी पूरी छूट दे सकें जैसा कि वे चाहते हैं। पपट रूलर वो वुड विलिंगली गिव ट्रेड कंसेशन एंड अदर, और वो बहुत सारी सुविधा उन्हें प्रदान करें जैसा अंग्रेज चाहते हैं, जैसा कि वे कंपनी चाहती है। सो इट ट्राइड, उन्होंने ट्राई किया थ्रो विदाउट सक्सेस इट टू हेल्प वन ऑफ सिराजउद्दौला's rivals बिकम द नवाब एंड इनफर्टिएट सिराजउद्दौला asked द कंपनी टू स्टॉप। उसने तो वो चाहते थे कि उसकी जगह किसी और को राजा बना दिया जाए और सिराजउद्दौला को उसके उस वहाँ से हटा दिया जाए गद्दी पे से, जिसको जिससे कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। तो उसकी इस मंशा को सिराजउद्दौला ने भांप लिया, है ना, तो उसने क्या किया एंड फ्रंटियर सिराजउद्दौला उसने पहले से ही बढ़ के कंपनी को राजकीय कामों में दखल देने के लिए मना कर दिया, कि ऐसा फरमान जारी किया कि कंपनी उसके राजकाज में दखल अंदाजी ना करे। मेडिलियन इन द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ द डोमिनी, उसका राजकाज है जो उसमें मेडिलियन बनने की कोशिश ना करे, मध्यस्थता ना दिखाए। स्टॉप फोर्टिफिकेशन, और अपनी किलेबंदी बंद करे उसने सिराजउद्दौला ने, और क्या फरमान जारी किया फोर्टिफिकेशन मीन्स किलेबंदी, जो नए नए किले बनाते थे कंपनी बंगाल में उन किलेबंदी को बंद करे एंड पे द रेवेन्यूज को टैक्स दे। तो इन सब ये सब फरमान सिराजउद्दौला ने कंपनी के विरुद्ध जारी कर दिए। आफ्टर नेगोटिएशंस फेल्ड नवाब मार्श, जब ये बात कंपनी ने मानने से मना कर दिया तो नेगोटिएशन फील्ड, तो सिराजउद्दौला ने क्या किया 30,000 सोल्जर टू द इंग्लिश फैक्ट्री ऑफ कासिम बाजार, अपने 30,000 सोल्जर के साथ में, सिपाहियों के साथ में कासिम बाजार में जो फैक्ट्री बनी हुई थी बंगाल के कासिम बाजार में जो फैक्ट्री बनी हुई थी उस पे हमला बोल दिया। उस पे हमला बोलने के बाद में क्या किया, हमला 30,000 सैनिक लेके उस पर हमला बोल दिया और कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे, जो ऑफिसर बड़े बड़े थे, उनको गिरफ्तार कर लिया, कैप्चर्ड कर लिया। लोग द वेयर हाउस, और वेयर हाउस जहाँ पर उनका माल रखा जाता था फैक्ट्री का बना बनाया माल निर्यात करने के लिए, उसको लॉक्ड कर दिया, जो तालाबंदी कर दी उसकी एंड डिसआर्म्ड एंड ऑल इंग्लिश मैन, और सबको गिरफ्तार कर लिया, सारे कंपनी के जो भी बंदे थे काम करने वाले सबको गिरफ्तार कर लिया और ब्लॉक्ड इंग्लिश शिप, और जो शिप आते थे हुगली रिवर पे से, है ना, सारे व्यापार के लिए यूरोप देशों से वहाँ पर कंपनी के ट्रेड के लिए शिप जाते थे आते थे, उन सबको ब्लॉक कर दिया, बंद कर दिया। देन ही मार्च टू कलकत्ता, और कलकत्ता की तरफ बढ़ गया सिराजउद्दौला टू इस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर द कंपनी फोर्ट देयर, कंपनी के जो भी फोर्ट वहाँ पर थे उन पे अपना अधिकार जमाने के लिए सेनाओं को लेके कलकत्ता की तरफ रवाना हो गया। ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ द फॉल ऑफ कोलकाता, कोलकाता में ऐसे धावा बोलने की जब न्यूज उन्होंने सुनी, कंपनी ने सुनी, कंपनी के ट्रेडर्स ने, कंपनी ऑफिशियल इन मद्रास जो कि अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है, मद्रास में वो पहुंच चुका है, मद्रास से उसने वहाँ के जो जो कंपनी के जो भी अधिकारी थे उन्होंने मद्रास से सेना लेके वो भी सीधे वहाँ पहुंच गए अपनी से, पहले तो सिराजउद्दौला कलकत्ता पहुंच गया, फिर कंपनी के जो ऑफिसर्स थे वो भी मद्रास से सेना लेके वहाँ पहुंच गए कलकत्ता अंडर द कमांड ऑफ द
रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर था उस टाइम पे कंपनी की तरफ से, उसके अंडर में बहुत सारी सेना जो है कंपनी की तरफ से कलकत्ता पहुंच गई। रेनफोर्स्ड बाय नवल फ्लीट्स प्रोलोंग्ड द नेगोटिएशंस विद द नवाब फ्लोड। बहुत दिन तक सौदेबाजी होती रही कंपनी के बीच में और नवाब के बीच में। जो सिराजुद्दौला नवाब था वो सब वहाँ पहुँच गए और कलकत्ता में ऐसी मीटिंग बुलाई गई कि मामला सुलझ जाए और आराम से कंपनी व्यापार करती रहे और उनको भी टैक्स मिलता रहे। बट कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्राप्त नहीं हुआ है ना। फाइनली 1757 रॉबर्ट क्लाइव लेड द कंपनीज आर्म अगेंस्ट सिराजुद्दौला प्लासी। लास्ट में 1757 में रॉबर्ट क्लाइव जो गवर्नर था कंपनी का, उसने अपनी सेना को सजाया और सिराजुद्दौला के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए प्लासी में तैयार हो गया। प्लासी में उसने हमला बोल दिया जिसमें कि सिराजुद्दौला की हार हुई। उस युद्ध में वो कंपनी से हार गया। वन ऑफ द मेन रीज़न फॉर उसकी हार का एक बड़ा रीजन ये था कि ऐसी मीटिंग होती रही थी जिसमें कोई सॉल्यूशन निकल के नहीं आया था। उसकी हार का बड़ा रीजन था बच्चों कि सिराजुद्दौला इतनी बड़ी ताकत होने के बावजूद भी हार गया। द डिफीटेड ऑफ द नवाब वॉज दैट द फोर्स लेड बाय मीर जाफर वन ऑफ सिराजुद्दौलाज कमांडर्स Never fought the battle. Clive had managed to secure his support by promising to make his Nawab after crushing Sirajuddola. उसके हार का मेन कारण था मीर जाफर। मीर जाफर उसका सेनापति था, उसने जो बैटल हुई थी लॉर्ड क्लाइव के खिलाफ सिराजुद्दौला की का जो युद्ध हुआ था उसमें अपने सेना को जो है हिस्सा लेने से मना कर दिया बिकॉज वो जो कंपनी थी उसके हाथों बिक चुका था। कंपनी के यहाँ तो बिक चुका था। कंपनी में जो लॉर्ड क्लाइव था उसने उसको भरोसा दिलाया था कि सिराजुद्दौला को हम गद्दी से हटाकर उसको युद्ध में हरा कर तुम्हें गद्दी पर बिठा देंगे, तुम्हें वहाँ का नवाब बना देंगे। और ऐसा ही हुआ। नवाब की कमी की वजह से सिराजुद्दौला हार गया और उसके बाद वो मारा गया। सिराजुद्दौला कंपनी ने उसे मार गिराया और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। द बैटल ऑफ प्लासी बिकेम फेमस बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री ऑफ कंपनी वॉन इन इंडिया। इंडिया में सबसे पहली जो जीत थी वो थी इस कंपनी की, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहली जीत हासिल की थी, इसलिए ये बहुत फेमस लड़ाई थी जो कि आज तक भी याद की जाती है। देखिए After the defeat of at Plassey, Sirajuddola was assassinated and Mir Jafar made the Nawab. Mir Jafar को नवाब बना दिया गया और जो है उसको सिराजुद्दौला को मार गिराया गया। The company was still unwilling to take over the responsibility of administration. Its prime objective was the expansion of trade. If this could be done without the concurrence through the help of the local rulers who were willing to grant privileges, then territories need not be taken over directly. उस टाइम पे जब मीर जाफर को नवाब बनाया गया तो एक तरह से पूरा जो गवर्नमेंट थी अंग्रेजों के हाथ में आ गई थी। जो वहाँ का राजा था पपेट बन गया था, कठपुतली बन गया था। वहाँ का जो नवाब था है ना मीर जाफर, वो अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली बन गया था। बट वो नहीं चाहता था वो, लेकिन गवर्नर था लॉर्ड क्लाइव था और कंपनी के जो भी अधिकारी थे वो पूरी तरह से अपना अब अधिशासन करना नहीं चाहते थे, पूरी सरकार जो थी अपने हाथ में लेना नहीं चाहते थे। प्रशासन वो चाहते थे कि हमारा व्यापार भी आराम से चलता रहे और यहाँ के नवाब भी बने रहे। बट जो कठपुतली, जब उन्होंने ये भी जो है रियलाइज़ किया विदाउट कॉन्फ्रेंस हेल्प टू और बिना लड़ाई झगड़े के वो सारे काम हो जाते, तो वो जो है डायरेक्टली कोई भी बात जो लड़ाई झगड़े की बात नहीं आती और कोई भी युद्ध नहीं लड़ते। बट उन्होंने रियलाइज़ किया सून द कंपनी डिस्कवर्ड दैट दिस वॉज rather difficult for even the puppet nawab were not always as helpful as the company wanted them to be. After all they had to maintain a basic appearance of dignity and the sovereignty if they wanted respect from their subjects.
तो जल्दी ही कंपनी ने रियलाइज़ किया अगर जो नवाब है हमारे पपट नवाब है, कठपुतली की तरह हमारे शरों पे नाचने वाले नवाब भी हमारी बात को हमेशा सिरों पर ही नहीं मानते हैं, कंपनी के पूरे ऑर्डर वो लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि नवाबों को भी अपनी जनता के बीच में अपनी रिस्पेक्ट, अपना दबदबा बना के रखना था, उनको अपनी जनता का पालन पोषण भी करना था, वो सारी बात कंपनी की कैसे मानते रहते। तो इस बात को उन्होंने, इसका भी एक हल ढूंढा और ये बताया कि भाई हमें इसमें कंपनी को जो है पूरी तरह से कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए पपेट राजाओं का कोई सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो क्या सॉल्यूशन निकला? व्हाट कुड द कंपनी डू? तो कंपनी क्या करती इस बात का सॉल्यूशन निकालने के लिए? व्हेन मीर जाफर प्रोटेस्टेड द कंपनी डिस्पोज हिम एंड द इंस्टॉल्ड मीर कासिम इन हिज प्लेस। व्हेन मीर कासिम कंप्लेंड ही When Mir Qasim complained, he in turn was defeated in a battle fought at Buxar 1764, driven out of Bengal. And Mir Jafar was reinstalled. The Nawab had to pay rupees 5 lakh every month, but the company wanted more money to finance its war. And meet to demands of trades and its other expenses. The what could the कंपनी डू? तो अब मीर जाफर जो था वो भी कंपनी की पूरी पूरी बात मानने से मना करने लग गया। तो कंपनी ने क्या किया, मीर जाफर को गद्दी से हटाकर मीर कासिम को बिठा दिया, उन्हीं का एक सेनापति मीर कासिम को नवाब बना दिया। अब मीर कासिम ने भी जब कभी कंपनी के खिलाफ कोई कंप्लेंट की या कंपनी के रूल रेगुलेशन मानने से इनकार कर दिया, तो एक बैटल ऑफ बक्सर जो कि बहुत प्रसिद्ध बक्सर की लड़ाई है, मैंने आपको बताया भी था, करवाई भी थी, बक्सर की लड़ाई में उसने मीर कासिम को हरा दिया। कंपनी ने 1764 ईस्वी में मीर कासिम को जो है बंगाल से हरा दिया और बंगाल का नवाब बनने से हटा दिया, और फिर उसके बाद दोबारा से मीर जाफर को वहाँ का नवाब बना दिया और उसके सामने शर्त रखी कि वो 5 लाख रुपए हर महीने कंपनी को एक कर के रूप में देगा, क्योंकि उसके बदले में कंपनी उसे सेनाएं देगी और उसके जो छोटे मोटे खर्चे हैं वो संभालेगी और अपने खर्चे पूरे करेगी। 5 लाख देने के एवेज में कंपनी ने उसे वहाँ का नवाब बना दिया और अच्छे से व्यापार करने की सुविधाएं हासिल कर ली, है ना। इधर इट वांटेड मोर टेरिटरीज एंड मोर रेवेन्यू। तो इसके अलावा जब वह 5 लाख रुपए नवाब कंपनी को देने लग गया तो कंपनी इसके अलावा और ज़्यादा सुविधाएं नवाब से चाहती थी, और ज़्यादा कर नवाब से चाहती थी। बाय द टाइम मीर जाफर डाइड इन 1765, जब मीर जाफर 1765 ईस्वी में मर गया, द मूड ऑफ कंपनी हैड चेंज। तो कंपनी का मूड चेंज हो गया और उसने फैसला किया, हैविंग फेल्ड टू वर्क विद पपेट नवाब, क्लाइव डिक्लेयर वी मस्ट इंडीड बिकम नवाब ओवर सेल्फ। तो क्लाइव था, जो रॉबर्ट क्लाइव था, वहाँ का गवर्नर था कंपनी का, उसने फैसला किया कि कंपनी के जो हम पपेट राजा स्थापित करते हैं, पपेट नवाब बनाते हैं, उनसे भी हमारा व्यापार को इतना फ़ायदा नहीं हो पाता। तो उसने खुद ही अपने आप को नवाब, जो इंडिया में गवर्नर था अपनी कंपनी का, उसने खुद अपने आप को नवाब जो है घोषित कर दिया, बंगाल का नवाब वो खुद ही बन बैठा। देखा बच्चों कैसे धीरे धीरे कंपनी ने हमारे जो है बंगाल से स्टार्ट करके धीरे धीरे कैसे अपने अधीनस्थ बना लिया हमारी इंडिया को, है ना, राजाओं को बिल्कुल पपेट बना दिया, कठपुतली बना दिया, और उसके बावजूद भी उनको मार गिराया और खुद ही अपने आप को नवाब घोषित कर दिया। फाइनली इन 1765 द मुगल एम्परर अपॉइंटेड द कंपनी एज अ दीवान ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ बंगाल। तो मुगल एम्परर जो थे कंपनी का 1765 में एक दीवान बना दिया गया, मुगल का राजा जो था दीवान को घोषित कर दिया गया, जो कि लॉर्ड क्लाइव था, उसको एक राज्य के रूप में घोषित कर दिया गया बंगाल को, और उसकी देखरेख करने वाले को दीवान कहा जाता था। पहले नवाब कहा जाता था, नवाब भी उसको बोलते थे, और उसकी पोस्ट का नाम दीवान दे दिया गया।
द दीवानी अलाउड द कंपनी, और जो दीवान के जो फरमान थे वो सब अलाउड करते थे कंपनी को, कंपनी टू यूज़ द वास्ट रेवेन्यू रिसोर्स ऑफ बंगाल। दिस सोल्व ए मेजर प्रॉब्लम दैट कंपनी, कंपनी की ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम सोल्व हो गई, क्योंकि लॉर्ड क्लाइव जो था वहाँ का नवाब बन गया बंगाल का, और सारी शक्ति उसके हाथ में आ गई। अर्लियर फोर्स्ड फ्रॉम अर्ली 18th सेंचुरी इट्स ट्रेड विद इंडिया हैड एक्सपेंडेड, और जो है 18वीं शताब्दी की शुरुआत में व्यापारिक जो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार बहुत जोर शोर से बढ़ने लग गया। बट इट हैड टू बाई मोस्ट ऑफ द गुड्स इन इंडिया विद गोल्ड एक्सपेंडेड बट इट हैड टू बाई मोस्ट ऑफ द गुड्स इन इंडिया विद गोल्ड एंड सिल्वर इम्पोर्टेंस फ्रॉम ब्रिटेन। दिस वॉज बिकॉज एट द टाइम ब्रिटेन हैड नो गुड्स टू सेल इन इंडिया। द आउटफ्लो ऑफ द गोल्ड ब्रिटेन स्लोड द बैटल ऑफ प्लासी एंड स्टॉप द एजम्पशंस। दीवानी नाउ रिवेन्यू फ्रॉम द इंडिया फाइनेंस कंपनी एक्सपेंस देयर द रिवेन्यू यूज टू परचेज द कॉटन सिल्क टेक्सटाइल मेंटेन कंपनी ट्रूप्स एंड मीट द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग द कंपनी फोर्ट एंड ऑफिसेस एट कैलकटा। तो अब वहाँ का जो था कंपनी को क्या था कि वहाँ पर जब बैटल ऑफ प्लासी में जो युद्ध जीत गए थे उसके बाद में कंपनी का वहाँ दबदबा बढ़ गया था। कंपनी को कोई भी चीज़ खरीदनी पड़ती थी इंडिया के बाज़ारों से तो उसे ब्रिटेन से सोना चांदी ला के यहाँ पर बेचने पड़ते थे, और उसके बदले में वो कुछ सामान खरीद पाते थे। तो अब बहुत सारा सोना जो है ब्रिटेन से इंडिया में आ रहा था, पर बैटल ऑफ प्लासी के बाद में ये सब थोड़ा सा कम हो गया, बिकॉज थोड़ा पैसा उनके पास आना शुरू हो गया, टैक्सेस की जो है थोड़ी मनाही हो गई, है ना, थोड़ी रियायत मिल गई। बट जब पूरी तरह से जो बंगाल था वो लॉर्ड क्लाइव के हाथों में आ गया और वो वहाँ का जो है दीवान बन गया, तो पूरी तरह से उनको कमाई होने लग गई और उनके उनको बहुत सारा टैक्स प्राप्त होने लग गया, है ना, बहुत सारा टैक्स प्राप्त होने की खुशी में। तो उनके पास इतना पैसा आता था, उसी पैसे से वो लोग अपना व्यापार बढ़ाने लग गए, उसी पैसे से जो सिल्क थी कॉटन थी इंडिया के बाज़ारों से खरीदते और ब्रिटेन में जाके उसको सेल कर देते थे, और पैसे की भी दिक्कत उनके पास होनी बंद हो गई। तो बच्चे देखा आपने तो कितने स्ट्रॉन्ग हो गए धीरे धीरे करके जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, और नवाबों को कैसे उन्होंने फेल कर दिया और कैसे पैसे उनको प्राप्त होने लग गए और उनका व्यापार और ज़्यादा बढ़ने लग गया। कल बच्चों पढ़ेंगे कंपनी ऑफिशियल बिकम नवाब्स, नवाब कैसे बनी कंपनी। तो बच्चों आपको एक काम करना है, एक होमवर्क है आपको कि इसमें से जो भी डेट्स आप इम्पोर्टेंट डेट्स हैं जो भी डेट्स हैं सबको मेंशन करेंगे और उन डेट्स को लिखेंगे कि क्या क्या इवेंट्स हुए थे, क्या क्या घटनाएँ हुई थी इन डेट्स में, डेट के साथ में वो इवेंट्स लिखेंगे, डेट्स एंड इवेंट्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ओके, गुड डे।